अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज की तूफान में उड़ा पूरी श्रीलंका का टीम, दोनों ने मिलकर डाल दिए श्रीलंका के 7 विकेट। आइए हम आपको बताते हैं श्रीलंका के 7 विकेट कैसे गिरे। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने की जारी थी, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच 2 वनडे मुकाबले हो चुके थे। तीसरा और लास्ट वाला मुकाबला आज बाकी था, जिसमें से यह भी मुकाबला आज 2 बजे से शुरू है। भारत और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच के कप्तान क्रिकेट टॉस हुआ तो श्रीलंका ने एक बार फिर टॉस जीता और दोनों मुकाबले में श्रीलंका ने भी टॉस जीता था और आखिरी मुकाबले में भी श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले हर बार की तरह बैटिंग चुना और भारत को गेंदबाजी करने का न्योता दिया और श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का मौका चुना। इस मुकाबले में दो बदलाव के साथ टीम इंडिया उतरी थी। केएल राहुल और हर्षदीप सिंह को बाहर बैठा कर केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को और हर्षदीप सिंह की जगह रियान पराग यानी ऑलराउंडर को मौका दिया था आखिरी मुकाबले में। तो आइए हम आपको बताते हैं कि श्रीलंका की पारी का शुरुआत हुआ और कौन प्लेयर कितना रन बनाया। जैसा कि आपको पता है अब इसका फर्नांडो और पाथुम निशंका ने दोनों मैच में बल्लेबाजी करने आए तो इस मैच में भी दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग करने आए और ओपनिंग करने आए। दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में 8 रन बनाए और सिराज के इस ओवर में 2 चौके लगाकर बैक टू बैक 8 रन बना चुके थे। अब इसका फर्नांडो और पाथुम निशंका ने पहले ओवर में शुरुआत श्रीलंका की अच्छी रही। तीसरे वनडे में श्रीलंका ने 5 ओवर का खेल खत्म होने के बाद एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और 26 रन अपने बोर्ड पर लगा लिए थे। देखते यह मुकाबला 8 ओवर चला गया था। 8 ओवर में श्रीलंका ने 50 रन बना चुके थे, जो कि पहले विकेट के लिए श्रीलंका ने नवाफी रनों को साझेदारी किया था। तो और श्रीलंका के बीच श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी जम चुकी थी। पाथुम निशंका और अविष्का फर्नांडो ने एक शतक की साझेदारी बना चुकी थी, लेकिन फिर क्या इस जोड़ी को अक्षर पटेल ने तोड़ दिया और अक्षर पटेल ने निशंक को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। पाथुम निशंका ने 45 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता चुन लिए थे। फिर दूसरा विकेट रियान पराग ने अविष्का फर्नांडो को आउट कर अपना पहला विकेट डेब्यू मैच में लिया। अविष्का को 96 रन की निजी स्कोर पर आउट करके उनको पवेलियन भेजा और श्रीलंका की इस पारी के लिए 150+ पर श्रीलंका का दूसरा विकेट गिरा और 171 रन पर श्रीलंका का दूसरा विकेट गिरा और भारत ने दूसरा विकेट लेने में कामयाब रहे। श्रीलंका को दूसरा विकेट रियान पराग ने लिया अपने डेब्यू मैच में। जैसा कि आपको पता है रियान पराग ने वनडे में डेब्यू पर कमाल करते हुए अपने पहले 4 ओवर में श्रीलंका को 2 विकेट गिरा दिए थे। अब इसका को आउट करने के बाद रियान ने कप्तान श्रीलंका को भी 9 रन पर आउट कर दिया। इसी के साथ श्रीलंका 200 रन पर ही 3 विकेट ढह चुके थे। चौथी सफलता मोहम्मद सिराज ने सदीरा को आउट कर श्रीलंका को यह झटका चौथा दिया। सदीरा खाता भी नहीं खोले श्रीलंका की तरफ से और चौथा विकेट मोहम्मद सिराज ने एक अच्छे अंदाज में लिया और श्रीलंका का 5वां विकेट वाशिंगटन सुंदर ने इस सफलता दिलाई। यानी जो भी विकेट गिरा अलग अलग बल्लेबाजों ने या इस मुकाबले में अलग अलग बल्लेबाजों ने विकेट लिया। कोई बात करें कुशल मेंडिस की तो कुशल मेंडिस ने भारत के खिलाफ शानदार शत की 2 अर्धशतक भारत के खिलाफ जड़ चुके थे। पहले मैच में भी अर्धशतक जड़ चुके तो 78 गेंद में 53 रन की पारी खेले थे। इस मुकाबले में श्रीलंका ने अपना 7वां विकेट भी गंवा दिया था। कुशल मेंडिस 59 रन बनाकर आउट हुए। कुलदीप यादव गेंद पर सुमन गिल को बाउंड्री पर एक अच्छा कैच पकड़ा दिया था। देखना यह है रोहित शर्मा 249 रन की टारगेट को चेस कर पाते या नहीं, इस मुकाबले को भारत जीत पाते या नहीं, कमेंट करके बताइए। मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले मोहम्मद सिराज 9 ओवर में 78 रन दे चुके, जो सबसे ज्यादा रन दिए मोहम्मद सिराज। वहीं 1 विकेट ही लेने में सक्षम रहे। वहीं शिवम दुबे 4 ओवर में बिना खाता खोले ही चले गए। फिर अक्षर पटेल 10 ओवर में 1 ओवर मेडन देकर 41 रन देकर 1 विकेट झटके थे। फिर वाशिंगटन सुंदर